आप सभी का हमारी सीरीज लीगल किस्से में, जिसके पहले एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा उस कहानी की ओर जो कहानी अभी कुछ दिन पहले तक बहुत चर्चा में थी। सबके मन में बस एक ही प्रश्न था कि ये हुआ कैसे। ये कहानी है कश्मीर की, ये कहानी है आर्टिकल 370 की और आर्टिकल 35 ए की, जो हमारे संविधान में जोड़ा गया। मैं आपको 1947 से लेके 2019 तक की पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, जिससे आपके मन में वो बैकग्राउंड सेट हो पाएगा कि कैसे 370 को हमने अपने भारत के संविधान में डाला, कैसे आर्टिकल 35 ए को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, और ऐसा क्या हुआ 5 अगस्त 2019 को जिससे आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 35 ए को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से बना दिए गए, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज इस सीरीज लीगल किस्से में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1947 से। 1947 एक ऐसी साल है जिसे कोई भी भारतीय, जिसे कोई भी इंडियन भुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो बात करते हैं हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक। और इस इंडिपेंडेंस के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से हमारे देश को आजादी मिली और इसी के साथ पाकिस्तान को इंडिया से आजादी मिली, ठीक। हमें आजादी मिलने के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। इसी एक्ट के माध्यम से जितने भी रियासत थी, जितनी भी रियासतें थी, उन सबको एक ऑप्शन दिया गया कि 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद या इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद या उस वक्त आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडिया को ज्वाइन करो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट स्टेट बनके भी रह सकते। ये जो मैटर है आर्टिकल 370 का और आर्टिकल 35 ए का, ये सारा मैटर रिलेट करता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, कि भारत का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक। उस वक्त करीब 565 रियासतें थीं, ठीक, यानी कि प्रिंसली स्टेट, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया, बट 3 प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास ऐसे थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बता रहे थे, जिन्होंने इंडिया को या पाकिस्तान को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और कहा कि भाई हम आजाद रहेंगे, हम एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहेंगे। हम बात करेंगे भारत के इंटीग्रेशन, ठीक। जब इंटीग्रेशन का नाम आता है, जब इंटीग्रेशन का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में एक नाम सबसे पहले आता है, वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जो काम जर्मनी में बिस्मार्क कर रहे थे, वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में करा। इंडिया की सारी रियासतों से बात करके, ठीक, बात करके, कुछ को प्यार से, कुछ को धमका दो, ठीक, जैसे भी किया हो, सारी रियासतों को भारत में इंटीग्रेट कर दिया, सारी रियासतों, ठीक। बट उसमें 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक। वो रियासतें कौन कौन सी थीं, पहले उन्हें देखते हैं। उनमें सबसे पहला नाम था जूनागढ़ का, ठीक, जो गुजरात का हिस्सा है इस वक्त। अब इस वक्त गुजरात का हिस्सा है, इस बात से यह तो पता चल ही पा रहा है कि अब वो भारत का हिस्सा है,
ठीक, बट 1947 में जब इनके पास ऑप्शन था कि उन्हें भारत को ज्वाइन कर लेना है या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेना है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक, उस वक्त जूनागढ़ ने इंडिया को ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया था। दूसरा नाम इसमें आता है हैदराबाद का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद सब जानते हैं, हैदराबाद का निजाम, ठीक, रिचेस्ट मैन था। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। उसने भी मना कर दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जिसके इंटीग्रेशन की आज हम चर्चा करेंगे, ठीक, और जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को डाला गया, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए एक-एक करके इनकी बात करते हैं कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, फिर सीधे हम चलेंगे जम्मू कश्मीर की। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको जूनागढ़ के बारे में कुछ बता देता हूं। जूनागढ़ देखो, यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे जूनागढ़ था, ठीक, और पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान यहाँ था। अब जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था, बट जूनागढ़ की जनता मतलब 70%, 70% पॉपुलेशन जूनागढ़ की हिंदू थी, ठीक। अब राजा मुस्लिम था, तो राजा ने तय किया कि हम पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे। राजा ने तय किया कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, ठीक, बट इसमें यह देखना था। तो जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था, और जूनागढ़ की जनता करीब 70% जनता वहाँ की हिंदू थी, ठीक। अब जूनागढ़ का राजा चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ विलय कर ले, वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब था यहाँ पे, अब पाकिस्तान से कैसे मिलता, ठीक, उसके मन में रहा होगा कि पानी के रास्ते के जरिए पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा, ठीक, और पाकिस्तान भी ये चाहता था कि भाई हम कर देंगे, ठीक, क्योंकि जिन्ना जो थे उस वक्त वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो ले पाए पाकिस्तान में, ठीक। तो जूनागढ़ के बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1947 में, तब इन दोनों की ही सेना के सुप्रीम कमांडर्स ब्रिटिशर्स को ही बनाया गया, ठीक। ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, तब ये कहा कि अभी ये नए नए आज़ाद हुए थे दोनों ही देश, तो इनकी सेना इनके हाथ में देना ठीक नहीं है, ठीक। तो सेना को ब्रिटेन ने अपने पास रखा, दोनों की सेना के सुप्रीम कमांडर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। दूसरा स्टेट था जो विद्रोह कर रहा था वो था हैदराबाद, ठीक, जो कि यहाँ था, ठीक। अब हैदराबाद यहाँ था, अब एक बात सोचिए कि ये पाकिस्तान के साथ कैसे मिलता, कैसे विलय करता पाकिस्तान से, ठीक। अब पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान को यहाँ तक आना है, ठीक, तो इंडिया के एयर स्पेस का यूज़ करना पड़ता, ठीक। और मान लो अगर इंडिया ने अपने एयर स्पेस पे पाकिस्तान के लिए रोक लगा दी, तो वो अपने एरिया में आ ही नहीं पाएगा, ये भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। बट हैदराबाद का राजा चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ विलय कर लूं, ठीक। इसमें जो तीसरी स्टेट थी यानी कि कश्मीर, वो इकलौती ऐसी स्टेट थी जो बॉर्डर को टच करती थी, इकलौती बॉर्डरिंग स्टेट थी, ठीक, जिसका बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान से मिल रहा था, ठीक, यहाँ पे।
कश्मीर ऐसी एक इकलौती स्टेट थी जो विद्रोह कर रही थी, जिसका बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान से मिल रहा था। ठीक, तो विवाद इस पे था। विवाद, असली विवाद कश्मीर पे होने वाला था। कश्मीर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, और जिन्ना तो ये मान के चलते थे कि कश्मीर तो उन्हीं को मिलेगा। ठीक, क्योंकि कश्मीर की 70 से 80% आबादी मुस्लिम थी, और जिन्ना इस्लामिक स्टेट बनाने के मूड में थे, तो ये मान के चलते थे कि कश्मीर तो उन्हीं को मिलेगा। और इंडिया अपने आप को सेकुलर मानता था। इंडिया ये सोचता था कि हमारे इंडिया में तो कोई भी आ जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वो भी ये चाहता था कि कश्मीर हमारे अंदर आ जाए। ठीक, कश्मीर हमारे भारत के साथ इंटीग्रेट कर ले। तो जूनागढ़ ने 15 सितंबर को, अगस्त आया, 15 अगस्त 1947 आया, इंडिया आज़ाद हो गया, पार्टीशन हो गया, बट इन तीनों का फैसला अब तक नहीं हो पाया। इनके अलावा जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे सब भारत के साथ विलय कर चुके थे, सब भारत में इंटीग्रेट हो चुके थे। ठीक, बट जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीन स्टेट ऐसे थे जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया था। फिर सबसे पहला फैसला किया जूनागढ़ ने। जूनागढ़ ने 15 सितंबर को 1947, अगस्त के बाद सितंबर, अगले ही महीने 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने किसके साथ? पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन कर लिया। ठीक, ये जाके पाकिस्तान में मिल गया, क्योंकि राजा चाहता था। बट वहां की 70% जनता क्या थी? हिंदू थी। तो 70% जनता हिंदू थी, इस वजह से जनता ने जूनागढ़ में विद्रोह कर दिया। ठीक, अब विद्रोह तो बहुत बड़ा था, विद्रोह कर दिया। अब जनता विद्रोह कर दे तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक, अगर सारी जनता ने विद्रोह कर दिया तो राजा की तो नहीं चलेगी। राजा भाग गया पाकिस्तान, राजा भाग गया पाकिस्तान। ठीक, यहां तक क्लियर? तो 15 सितंबर को जूनागढ़ ने विलय किया पाकिस्तान के साथ। ठीक, उसके बाद जूनागढ़ की जनता ने विद्रोह कर दिया, उसके बाद राजा भाग गया पाकिस्तान, और वहां के जो दीवान थे, ठीक, शाहनवाज भुट्टो, वहां के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा कि यहाँ के स्थिति के हिसाब से हमारा आप भारत में विलय होना तय है, आप आइए, कागजी कार्रवाई करिए और जूनागढ़ को भारत में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, बट ऐसे ही नहीं लेना चाहते थे पटेल। पटेल को पता था कि जूनागढ़ में 70% जनता है, विद्रोह कर चुकी है, बट अगर ऐसे ही ले लेंगे, जाके केवल कार्रवाई करके जूनागढ़ को अपने पास ले लेंगे, ठीक, तो बाद में कहीं ना कहीं ये होगा कि इन्होंने जबरदस्ती जूनागढ़ को इंटीग्रेट कर लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराएंगे, और जनवरी जनवरी में रेफरेंडम कराया, जिसमें 99% वोट, 99% वोट इंडिया को पड़े कि हम इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं। ठीक, तो ऐसे जनवरी ये हुआ था, जनवरी 1948 में रेफरेंडम। ठीक, तो जनवरी 1948 में जूनागढ़ भारत का पार्ट बना, हमने इसे गुजरात, बाद में इसे गुजरात का पार्ट बना दिया। क्लियर? अब बात कश्मीर की भी थी। कश्मीर में विद्रोह जारी था, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके पास आ जाए, भारत चाहता था कि कश्मीर उसके पास आए। ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन,
ठीक, जिन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था फ्री इंडिया का, वो राजा हरी सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके मित्र थे। ठीक, मतलब उठना बैठना था, बातचीत थी। ठीक, तो वो उनसे मिलने गए, राजा हरी सिंह से मिलने गए। ठीक, अब राजा हरी सिंह से उन्होंने कहा, राजा हरी सिंह से उनका मत जाना कि आप किसमें मिलना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते हैं या इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हैं। तब राजा हरी सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया, माउंटबेटन को भी लौट के आना पड़ा। राजा हरी सिंह भी दुविधा में थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जनता मुस्लिम थी, वो खुद एक हिंदू राजा थे। अगर वो पाकिस्तान में विलय करते, ठीक है, तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट को इम्पोर्टेंस दे रहा था, तो इस्लामिक स्टेट में हिंदू राजा का होना पॉसिबल नहीं था। ठीक, और अगर वो भारत को ज्वाइन करते, तो भारत डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, भारत में किंगशिप अब चलने वाली नहीं थी, भारत में इलेक्शन होने तय थे। ठीक, वहाँ कोई भी राजा होना पॉसिबल नहीं था। तो राजा हरी सिंह को अपनी राजशाही को बचाने के लिए भाई इंडिपेंडेंट रहना था, वो राजा रहना चाहते थे। ठीक, तो ना तो उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, ना ही उन्होंने भारत को ज्वाइन किया। ठीक, इसी बीच कश्मीर की बात चलिए, तो इसी बीच मैं शेख अब्दुल्ला के बारे में जिक्र कर दे रहा हूँ। शेख अब्दुल्ला वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे, जो AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने MSc की थी। बहुत ही होनहार छात्र थे, बहुत होशियार थे। जब ये मास्टर्स करके कश्मीर लौटे, तो भाई जब कोई मास्टर्स करके या ग्रेजुएशन करके जाता है तो सोचता है कि नौकरी मिल जाए, बट कश्मीर में ज़्यादातर नौकरी मिलती थी हिंदू को, तो ये बहुत ज़्यादा होशियार और होनहार होने के बावजूद इन्हें नौकरी ना मिल सकी। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजा का विद्रोह किया। ये समाजवादी थे, ठीक, ये भी चाहते थे कि राजशाही खत्म हो जाए, ये भी चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शन हो। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, एक मोर्चा निकाला राजा के खिलाफ। ठीक, उस मोर्चा का क्या नाम था, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। कश्मीर छोड़ो आंदोलन इन्होंने शुरू किया, जिस आंदोलन की वजह से ये कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक, जनता इन्हें पसंद करने लगी, जनता इन्हें अपना नेता मानने लगी, तो शेख अब्दुल्ला वहाँ से उठते चले गए। ठीक, समझ रहे हैं ना, शेख अब्दुल्ला कहाँ से उठे, शेख अब्दुल्ला एक पढ़ने वाले थे, लीडर तो ये बाद में बने। ठीक, ये तो पढ़ने वाले थे, पढ़ के गए थे, AMU से पढ़ के कश्मीर गए थे, नौकरी ना मिलने के कारण इन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक, और उसी के चलते इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था कश्मीर छोड़ो आंदोलन, और कश्मीर छोड़ो आंदोलन के चलते ये वहाँ पे फेमस हो गए, कश्मीर वैली में फेमस हो गए, वहाँ के लोग इन्हें अपना लीडर मानने लगे। ठीक, नेहरू से थोड़ी इनकी दोस्ती थी, हल्की सी। ठीक, दोनों ही समाजवादी थे, आदर्शवादी थे। ठीक, नेहरू भी समाजवादी थे, ये भी समाजवादी थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे। ठीक है, तो हल्की फुल्की बातचीत इन लोगों की भी थी। तो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी आप समझ गए कि शेख अब्दुल्ला कब लाइमलाइट में आए, कश्मीर इशू चल ही रहा था लगातार। ठीक, उसके बीच में मैं हल्का सा हैदराबाद का पोर्शन आपको समझाना चाहूँगा, जिससे जम्मू कश्मीर का और क्लियर हो पाए। ठीक, हैदराबाद ने भी ज्वाइन नहीं किया था, सबको पता है, हैदराबाद ने भी ज्वाइन नहीं किया था, बट हैदराबाद ने नवंबर 1947 में, हैदराबाद ने नवंबर 1947 में एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ, जिसे हम कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट
ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नवंबर 1947 से नवंबर 1948 तक जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति रहेंगी, ना तो हैदराबाद कुछ करेगा ना ही इंडिया कुछ करेगा। ठीक, तो इंडिया ने भी इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे, कि चलो एक साल का इन्हें सोचने का टाइम दे दो, जब तक हमारे पास कश्मीर का मुद्दा पड़ा है उसे निपटाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हैदराबाद को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके एक साल के लिए रोक दिया। क्लियर? बहुत शॉर्ट में एक बार फिर देखिए, जूनागढ़ 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ विलय कर लेता है, जनता विद्रोह करती है। ठीक, तो राजा भाग जाता है, वहाँ का दीवान शाहनवाज भुट्टो इंडिया को लेटर लिखता है कि आइए कागजी कार्रवाई करके इसे अपना हिस्सा बनाइए। पटेल वहाँ पर रेफरेंडम कराते हैं और जनवरी 1948 में रेफरेंडम के थ्रू उसे अपने भारत का हिस्सा बना के गुजरात में जोड़ देते हैं। ठीक, यही मैंने कश्मीर बताया जो बॉर्डरिंग स्टेट था, वहाँ पे इश्यू चल रहा था। राजा हरी सिंह किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते थे, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी राजशाही नहीं जा रही थी। ठीक, वो अपनी राजशाही को नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके बाद हैदराबाद ने क्या करा? हैदराबाद ने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया कि एक साल तक ना तुम कुछ करोगे भारत से, ना भारत कुछ करेगा, ना हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो एक साल तक जैसी स्थिति हैदराबाद में है वही स्थिति बनी रहेगी। ठीक, तो एक साल, इस एक साल के बीच में कश्मीर इशू बीच में आया। ठीक, कश्मीर इशू को देखते हैं जो हमारा मेन इशू है। कश्मीर इशू को देखते हैं जो हमारा मेन इशू है। देखो, अब कश्मीर वहाँ पे क्या था, राजा हरि सिंह तो नहीं चाहते थे, बट शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के उभरते लीडर थे वो समाजवादी थे, तो उनसे भी काफ़ी जनता इन्फ्लुएंस थी, बट तो वो चाहते थे कि वो भारत में मिल जाए, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी की बात करता था। ठीक, भारत डेमोक्रेसी की बात करता था। ठीक, वो शेख अब्दुल्ला कम्युनल नहीं थे, शेख अब्दुल्ला नेहरू के दोस्त भी थे और समाजवादी भी थे, इसलिए वो चाहते थे कि कश्मीर को हम भारत में मिला दें। ठीक, यहाँ से राजशाही खत्म हो, यहाँ पर भी इलेक्शन हो और ये इंडिया का पार्ट बने। ठीक है, वहाँ जिन्ना घबरा गए। जिन्ना ने क्या किया, अपने एक सीनियर ऑफिसर अकबर खान से कहा कि आक्रमण कर दो पाकिस्तान पर। ठीक, अब आक्रमण तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब क्योंकि अगर पहले आक्रमण पाकिस्तान कर देता तो कहीं ना कहीं बाद में उसे दबना पड़ता, अगर इंटरनेशनल मैटर बन जाता तो पाकिस्तान को फिर बाद में कहीं ना कहीं दबना पड़ता कि आपने आक्रमण क्यों किया। ठीक, तो अकबर खान ने क्या किया कि वहाँ के जो ट्राइबल मुस्लिम्स थे उनको मिला के एक सेना तैयार करी जिसका नाम था आजाद कश्मीर सेना। अब ये सेना तैयार करी कश्मीर पे आक्रमण करने के लिए। ठीक, अब यहां देखिए, पाकिस्तान आक्रमण नहीं कर रहा, यहां पे कश्मीर के ही जो ट्राइबल मुस्लिम्स थे उनको लेके एक आजाद कश्मीर सेना बनाई अकबर खान ने, जो जिन्ना के सीनियर ऑफिसर थे। ठीक, उन्होंने एक सेना बनाई आजाद कश्मीर सेना। ठीक, उसमें कुछ मिलिटेंट्स पाकिस्तान के भी थे अनऑफिशियली। ठीक, बाद में ये बात पाकिस्तान ने यूएन में मानी। ठीक, तो आजाद कश्मीर सेना बना के इन्होंने पाकिस्तान पर, वो कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 20 अक्टूबर को, डेट याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक, इस सेना ने स्टार्टिंग की आक्रमण करने की, और ये मुजफ्फराबाद पहुंच गई। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, आजाद कश्मीर सेना, ठीक,
मतलब अनऑफिशियली पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है आज़ाद कश्मीर सेना के द्वारा। ठीक, ये 20 अक्टूबर 1947 से इन्होंने आक्रमण स्टार्ट किया, ये मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अब मुजफ्फराबाद पहुंचते ही राजा हरि सिंह को खबर की गई कि हम पे आक्रमण हो गया है, पर राजा हरि सिंह को अपनी सेना पे बहुत भरोसा था कि उन्हें भरोसा था कि जब तक मेरी सेना मेरे साथ है तब तक कोई भी हम पर आक्रमण करके जीत नहीं सकता। जो कमांडर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने उन्हें समझाया कि जब इस्लामिक स्टेट की बात आएगी और आपकी सेना में 50-60% जो ऑफिसर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो जब बात आएगी इस्लामिक स्टेट की, जब ये उनसे कहा जाएगा कि इस्लामिक स्टेट अगर बन जाता है तो ज़्यादा ओहदा उन्हें मिल पाएगा आर्मी ऑफिसर्स को, तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि वो आपकी सेना छोड़ के उनमें ना मिल जाएं। तो इस वजह से राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को सतर्क किया, बट हरि सिंह को अपनी सेना पे पूरा भरोसा था कि मेरी सेना कैसे भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और मेरी सेना मुझे जिताएगी, कोई भी हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। दिन बीतते गए, 3 दिन के बाद यानी कि 23 अक्टूबर 1947 को ये उरी तक पहुंच गई। उरी तक, उरी तो सब जानते होंगे, मूवी भी आ चुकी है। ठीक, तो 23 अक्टूबर 1947 को जब ये उरी पहुंच गई, ठीक है, उरी पहुंच गई, तब राजा हरि सिंह फिर घबराए। ठीक, अब राजा हरि सिंह घबराए और राजेंद्र सिंह ने जिस बात के लिए उन्हें सतर्क किया था, ठीक है, वही हुआ। जब वो उरी पहुंच गए, जो लगभग 100-150 किलोमीटर है श्रीनगर से, जब वो इतनी पास आ गए श्रीनगर के, तब राजा हरि सिंह भी घबराए, ठीक है, और जिसका डर था वही हुआ, जो सेना में जितने मुस्लिम्स थे, ठीक, उनका बहुत बड़ा हिस्सा हरि सिंह की सेना को छोड़कर विद्रोही सेना में जाके मिल चुका था। तो राजा जो कमांडर राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने जो राजा हरि सिंह से कहा था वही हो गया। अब राजा हरि सिंह घबरा गए। ठीक, फिर बढ़ते बढ़ते ये बारामूला तक जा पहुंची, ठीक है, जो श्रीनगर से लगभग केवल 50 किलोमीटर दूर होगा। ठीक, तो राजा हरि सिंह ने कहा अब तो मैं भी चल रहा हूँ लड़ने, ठीक है, तो राजेंद्र सिंह ने उनसे कहा कि आप नहीं, आप मत जाइए। तो राजा हरि सिंह को श्रीनगर से जम्मू भेज दिया गया। ठीक, जम्मू भेज दिया गया और राजेंद्र सिंह जब वहाँ लड़ रहे थे, राजेंद्र सिंह जब सामने की सेना बारामूला तक आ गई थी, तब इन्होंने क्या किया कि बारामूला और कश्मीर के बीच में केवल एक पुल था, जो आने जाने का जो साधन था वो एक पुल के माध्यम से था। तो राजेंद्र सिंह ने सबसे पहले उस टाइम लगा के उस पुल को ध्वस्त कर दिया, उस पुल को तोड़ दिया। ठीक है, अब ना तो इधर की सेना उधर जा सकती थी, ना उधर की सेना इधर आ सकती थी। इस काम की वजह से कश्मीर को 2 दिन मिल गए। ठीक है, अब ये 23 को उरी पर पहुंची थी, 25 को ये बारामूला थी और ये भड़ नहीं पा रही थी। किसकी वजह से? कमांडर राजेंद्र सिंह की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो पुल तोड़ दिया था जिससे वो कश्मीर में एंटर करती। ठीक, यहाँ पे कश्मीर को 2 दिन मिल गए और ये दिन ना मिले होते तो आज ये वीडियो हम नहीं बना रहे होते, इस पे कोई विवाद ही नहीं होता, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता। ठीक, अब हरि सिंह वहाँ घबरा गए। हरि सिंह ने दिल्ली फोन लगाया कि भैया हमें बचा लो, हम पे आक्रमण हो गया है। ठीक, तब नेहरू जी ने पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन ने मीटिंग की, वो बोले कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने यहाँ पर स्टैंड लिया और कहा कि अभी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, अगर आप
कश्मीर की तरफ से लड़ोगे, अगर आप अपनी सेना कश्मीर की तरफ से भेजोगे, तो ये माना जाएगा कि आप इंटरनेशनल वॉर में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा। और अभी अभी आप आज़ाद हुए हैं और अभी इंटरनेशनल वॉर आप लड़ेंगे किसी के साथ मिलके, तो ये भारत के लिए उचित नहीं होगा, उन्होंने समझाया। ठीक, क्योंकि अब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक, बट यहाँ पे सेना तैयार थी, आज़ाद कश्मीर सेना तैयार थी बारामूला में, वहाँ हरी सिंह परेशान थे, दिल्ली कॉल कर रहे थे कि हमें बचा लो। तब वहाँ से वीपी मेनन गए वहाँ बात करने। ठीक, अब एक दिन बचा था हरी सिंह के पास, तो वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन, ठीक है, जो कश्मीर के पीएम थे, ठीक है, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, इन दोनों ने हरी सिंह को समझाया कि आपके पास अब एक्सेशन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा, आप भारत से विलय कर लो जिससे भारत आपकी रक्षा कर सके। ठीक, तो ध्यान रखना 25 अक्टूबर को, ठीक है, अब 23 को उरी में थे, ठीक है, उरी से बारामूला पहुंच चुके थे, 25 अक्टूबर को सेना बारामूला थी, केवल 50 किलोमीटर दूर। ठीक, और यहाँ जम्मू में मीटिंग चल रही है हरी सिंह की, वीपी मेनन की और मेहरचंद महाजन की। ठीक है, तो हरी सिंह ने कहा कि ठीक है मैं एक्सेशन कर लूँगा, वो दोनों वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दोनों दिल्ली गए, एक्सेशन का पत्र तैयार किया। ठीक, जो विलय पत्र था वो तैयार किया, उसे लेकर हरी सिंह के पास आए, हरी सिंह ने उस पर साइन की, हरी सिंह ने उस पर साइन किए, ठीक है, हाँ मैं भारत में इंटीग्रेट होता हूँ। ठीक है, बट लोगों का यह कहना है कि वो विलय पत्र कंडीशनल था, उन्होंने कंडीशन रखी थी कि भैया के केवल डिफेंस देखोगे तुम, कम्युनिकेशन देखोगे और एक्सटर्नल अफेयर्स देखोगे। ठीक, तो वो जो एक्सेशन था वो कंडीशनल था, वो विलय जो था कश्मीर का भारत के साथ वो कैसा था, कंडीशनल था, कुछ लोगों का कहना है। बट उस वक्त जितने भी प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेशन किया था, भारत में इंटीग्रेट हुए थे, सबकी सबके विलय पत्र की लैंग्वेज लगभग सेम थी, सब प्रिंटेड होते थे, बस राजाओं को अपना ऊपर नाम भरना होता था और डेट डालनी होती थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, इसमें देखिए ये सारा पोर्शन, ये सब प्रिंटेड है, ठीक, सबका प्रिंटेड था, सबका एक जैसा विलय पत्र था। ठीक, राजा को बस अपना यहाँ नाम भरना होता था यहाँ पे। ठीक, इन्होंने भरा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लिख रहा है श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह। ठीक है, तो ये नाम था इनका, इतना लंबा, रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम भरा हुआ है। ठीक, और सेकंड चीज, दूसरी चीज क्या करनी होती थी, डेट डालनी होती थी, 26 तारीख थी, ठीक है, 25 को बारामूला फौज पहुंच चुकी थी, एक दिन लगा था विलय पत्र लाने में वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन को, 26 अक्टूबर का दिन था, अगले दिन सुबह, क्योंकि दो दिन लगते पुल को बनाने में, बस अगले दिन सुबह आक्रमण हो जाता, तो 26 तारीख का दिन लास्ट दिन था हरी सिंह के पास कि वो कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करें। तो 26 तारीख को, ये देखिए 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, ईयर नहीं लिखते थे क्योंकि सबने ही 1947 में विलय किया था। ठीक, 26 तारीख को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया राजा हरी सिंह ने। ठीक, ये विलय पत्र लेके वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन फिर दिल्ली पहुंचे। ठीक, दिल्ली से कहा कि राजा हरी सिंह विलय करने को तैयार हैं। ठीक, बट माउंटबेटन ने कहा, ठीक, तो मैं कंडीशनल पे बात कर रहा था कि कंडीशनल ऐसा कुछ नहीं था, सबका पत्र सेम था, सबका पत्र सेम था, सब में ये लिखा था कि कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और एक और विषय था, तीसरा विषय, इन तीन विषय में जो है भारत सुप्रीम होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें स्टेट की चलेंगी। ठीक, तो सारे
विलय पत्र में, सारे स्टेट के विलय पत्र में बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी, हूबहू ठीक। बस राजा को अपना नाम लिखना होता था, नीचे डेट डालनी होती थी और अपने साइन कर देने होते थे, ठीक, अपने साइन कर देने होते थे, क्लियर। अब विलय करने के बाद लास्ट जो चीज रह जाती थी वो रह जाती थी गवर्नर जनरल के साइन होना, ठीक। जैसे आज के दौर में उसे बिल को पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट लेने के लिए जाना होता है, ऐसे ही विलय करने के बाद लास्ट साइन होते थे माउंटबेटन के, वो अप्रूव करता था कि हाँ उस स्टेट का भारत में इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक, उसने एक्सेशन कर लिया है, ठीक। तो माउंटबेटन पहले तो बोलने लगे कि अभी रुको, अभी मैं देखूंगा, अभी करता हूँ, ये इंटरनेशनल विषय है, और जो है अभी हम अगर उनकी सहायता करेंगे, अपनी फौज भेजेंगे, तो हम पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत एग्रेसिव थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि राजा हरि सिंह विलय करने के लिए तैयार हैं, उन्हें हमारी सहायता चाहिए, तो सहायता भेज दो, ठीक, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज बाद में आ जाएंगे, ठीक। तो माउंट बैटन ने फिर उनकी बात मानते हुए, ठीक, अब 12 रात के 12 बज गए थे, 12 से क्रॉस हो गए थे, रात में उन्होंने साइन करे, इसीलिए यहाँ 26 की जगह तारीख पड़ी हुई है साइन करने की, 27 अक्टूबर को साइन किए माउंट बैटन ने, ठीक, एक्सेशन कंप्लीट हुआ। फिर 27 की बिल्कुल सुबह सुबह श्रीनगर, दिल्ली से श्रीनगर भारत के जहाज भेजे गए, ठीक, और भारत की सेना वहां पहुंची, और भारत की सेना ने पहुंचकर वहां वो जो आजाद कश्मीर सेना थी उससे सामना किया, ठीक। यहाँ पे एक किस्सा बहुत फेमस है, वो आपको मैं बता देता हूँ। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह इतने डरे हुए थे कि साइन करने के बाद रात में जब वो सोने गए तो अपने ADC को अपनी पिस्तौल देके गए कि यदि सुबह भारतीय सेना, भारतीय जहाज श्रीनगर ना पहुंच पाए तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार दे, मैं वो सुबह नहीं देखना चाहता, ठीक, क्योंकि जो आजाद कश्मीर सेना थी वो बहुत ब्रूटल थी, ठीक। उन्होंने 12 मुला में इतने कत्लेआम किए थे कि जिसे देख के हरि सिंह, पूरा 12 मुला, पूरा कश्मीर, पूरा श्रीनगर, सब लोग डर चुके थे कि अब 27 की सुबह हमारा क्या होगा। बट 27 की सुबह हुआ क्या, 27 की सुबह भारतीय जहाज श्रीनगर पहुंच चुके थे और वो उनका सामना करने के लिए वहां पे खड़े हो चुके थे, ठीक। इसके बीच एक और चीज हुई, इसके बीच आपको याद होगा मैंने बताया था कि शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू करा था कश्मीर छोड़ो आंदोलन के नाम से, ठीक। तो उस आंदोलन के चलते राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल रखा था, ठीक। तो विलय के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने प्रेशर बनवा के शेख अब्दुल्ला को रिलीज कराया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक, तो उस पूरी पार्टी के साथ उसने भारतीय सेना जो 27 अक्टूबर को वहां पहुंची थी उसका स्वागत किया, ठीक, उसके सारे इंतजाम करे, खाने का, पीने का, रहने का, लड़ने का, ठीक, मतलब शुरू से लेके अंत तक उसका पूरा साथ दिया शेख अब्दुल्ला ने अपनी पूरी पार्टी के साथ। तो यहाँ पर कश्मीर का एक्सेशन हो चुका है, यहाँ पे भारतीय सेना आजाद कश्मीर सेना से लड़ रही। इसके बाद जब लगातार वहाँ पे युद्ध चलता रहा आजाद कश्मीर सेना में और भारतीय सेना में, तब 31 दिसंबर, देखो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना, यहाँ से ही तो स्टार्ट किया था इन्होंने आक्रमण आज़ाद कश्मीर सेना ने। 31 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने UN में कंप्लेंट दर्ज कराई, ठीक है, चैप्टर 6 के तहत UN में, इंटरनेशनल मैटर बन चुका था। अब दो देशों, अब कश्मीर तो हमारा हिस्सा था तो दो देशों के बीच की लड़ाई थी, ठीक। इन्होंने UN में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई चैप्टर 6 के तहत। चैप्टर 6 में मैं बता दूं क्या होता है कि इसमें जो UN अपना मत रखती है, ठीक, वो
किसी भी कंट्री पर बाउंड नहीं होता, ठीक है, चाहे माने चाहे ना माने। ठीक, तो चैप्टर 6 में कंप्लेंट दर्ज कराई। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी काउंसिल से मीटिंग रखी, फिर 21 अप्रैल 1948 को ही मीटिंग हुई थी। उसके बाद यूएन ने अपना एक रेजोल्यूशन निकाला। ठीक, उस रेजोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। उस रेजोल्यूशन में क्या हुआ, यूएन का रेजोल्यूशन 1948, यूएन रेजोल्यूशन 1948 में ब्रॉडली तीन चीज हुई। ठीक, पहला सीज फायर ऑर्डर, इसका मतलब है कि जब दोनों देश इस बात पर सहमत हो जाएंगे, ठीक, कि हमें अब लड़ाई नहीं करनी, ठीक, तब उसके बाद वहां पर युद्ध रोका जा सकेगा। ठीक, सेकंड जो मोस्टली भारत के फेवर में रहता है, ट्रूस एग्रीमेंट। ठीक, ट्रूस एग्रीमेंट में क्या था कि जो पाकिस्तान के अनऑफिशियल मिलिटेंट्स आजाद कश्मीर सेना में थे, पाकिस्तान ने इस बात को माना भी, ठीक, और जो कश्मीर में पाकिस्तान के अनऑफिशियल मिलिटेंट्स रह रहे थे, उन्हें पाकिस्तान वापस ले, ठीक, उन्हें पाकिस्तान वापस बुलाए। ठीक, जब ये काम करने के बाद जो आयोग है ये भारत को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने ये काम कर लिया है, उसके बाद भारत अपनी सेना वहाँ से हटाएगा। ठीक, तो ये एग्रीमेंट दिया था, ट्रूस एग्रीमेंट। ठीक, इसका मतलब आज़ाद कश्मीर सेना वहाँ से वापस जाए, जो कश्मीर में अनऑफिशियल इलीगल जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान के वो पाकिस्तान वापस बुलाए। ठीक, उसके बाद तीसरा था अदर्स। ठीक, जिसमें दोनों देशों ने ये सहमति दर्ज कराई कि अगर दोनों देश सहमत होंगे तो कश्मीर की जनता से प्लेबिसाइट करा के कश्मीर का फैसला किया जाएगा। बट ये होगा कब, जब इसकी दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, जब कश्मीर से आज़ाद कश्मीर सेना वापस हो जाएगी, ठीक, जो अनऑफिशियल मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान के कश्मीर में वो पाकिस्तान वापस ले लेगा, तब आयोग सूचना देगा भारत को, भारत अपनी सेना वहां से वापस बुलाएगा, तब दोनों देश की सहमति से वहां पर प्लेबिसाइट हो सकता है। ये यूएन रेजोल्यूशन था बहुत शॉर्ट में, ठीक, ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक, तो इसका सीज फायर ऑर्डर कब हुआ, इसके बारे में बताता हूँ। युद्ध चला 31 दिसंबर 1948 तक, करीब सवा साल, 20 अक्टूबर 1947 से स्टार्ट हुआ था और अगली साल दिसंबर में युद्ध ख़त्म हुआ। अब क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बारे में आप जान पाएंगे जब आपको मैं हैदराबाद के विलय की कहानी बताऊंगा। ठीक, तो एक मिनट में मैं हैदराबाद के विलय की कहानी बताता हूँ। याद करिए, हैदराबाद ने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ था भारत के साथ कि एक साल तक ना तुम कुछ करोगे और ना हम कुछ करेंगे। ठीक, बट वहाँ पर एक एसोसिएशन कह लो या पार्टी कह लो, MIM, वहाँ पे एक MIM एसोसिएशन था, ठीक, जिसने सितंबर 1948 में, यानी कि एक साल पूरा होने से 1-1.5 महीने पहले से ही वहाँ पर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। और जो लोग भारत के पक्ष की बात करते थे उस पक्ष को मारना, ठीक, बेरहमी से उन पे जुल्म करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, हैदराबाद के हालात सितंबर 1947 में, ठीक है, अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले ये लोग शुरू हो गए। ठीक, यहाँ पर हालात बिगड़ चुके थे बुरी तरह से। ठीक, रोज़ जाने जा रही थी, ठीक, जो भारत के पक्ष की बात कर रहा था उसे वो मार दे रहे थे। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल पे इंतजार
फिर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत एग्रेशन था उनमें, फिर उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ, उन्होंने बिना नेहरू जी की सहमति से वहाँ पर सेना भेज के और विद्रोह स्टार्ट करा दिया। 5 दिन लगे, अगर मैं आपको बता दूँ, 5 दिनों में हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन चुका। अगर डेट बता दूँ मैं आपको, 13 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद में भेजा, और 18 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने काम ख़त्म कर दिया। हैदराबाद का नवाब यूएन चला गया, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल मैटर ही तो था, हैदराबाद इंडिया का पार्ट थोड़ी था, वो एक अलग देश था, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह रहा था। ठीक है, तब यूएन से प्रेशर आया, तो वल्लभ भाई पटेल बोले कि कोई ऐसा मामला नहीं है, आपसी मामला है, और आर्मी नहीं पुलिस भेजी थी, छोटा मोटा केस था, वो निपटा दिया। ठीक, तो वहाँ पे सेना ने पूरी पकड़ बना ली थी, और इसके इंटीग्रेशन को नाम दिया गया इंटीग्रेशन भाई पुलिस एक्शन। ठीक, तो कागजों में पुलिस एक्शन बता दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज के 5 दिनों में हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया था। ठीक, अब नेहरू जी क्या था, नेहरू जी को इंटरनेशनल मैटर्स में अपनी इमेज बहुत प्यारी थी। ठीक, तो और सही भी था, वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इंटरनेशनल मैटर्स में उनकी इमेज साफ रहनी भी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि सितंबर सितंबर 1948 चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध ख़त्म कब हुआ है, मैंने बताया था 31 दिसंबर 1948 को, इसकी ख़त्म होने की मेन वजह यही थी, हैदराबाद में कांड हो जाना। सितंबर 1948 में जब हैदराबाद में कांड हो गया, जब वहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया गया, ठीक है, आर्मी के थ्रू, तब नेहरू जी को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा बहुत हुआ, अब बहुत युद्ध हो गए, बहुत लोग मारे गए, हैदराबाद में भी बहुत लोग मारे गए, अब इस युद्ध को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे सीज फायर ऑर्डर का इस्तेमाल करा, यहाँ पे सीज फायर हो गया, 31 दिसंबर 1948 को युद्ध समाप्त हुआ, और जिस पोजीशन पे समाप्त हुआ, ठीक है, करीब 2/3 कश्मीर का एरिया हमारे पास था, 1/3 उनके पास था, उनकी सेना के पास था, ठीक है, और एक आध महीना और युद्ध चलता तो शायद उन्हें खदेड़ते हुए पूरा कश्मीर हमारे पास होता। अगर नेहरू जी 1-2 महीने और चलने देते युद्ध को, तो शायद पूरा कश्मीर हमारे पास होता, बट उस समय की स्थिति ऐसी थी, उतना इंटरनेशनल प्रेशर था। ठीक, इस वजह से 31 दिसंबर को 1948 को युद्ध को समाप्त करना पड़ा, सीज फायर ऑर्डर करना पड़ा। ठीक, और जहाँ पे सीज फायर ऑर्डर किया, उसी को आज हम LOC बोलते हैं, ठीक है, उसी को आज हम LOC बोलते हैं। क्लियर है ये क्लियर है, LOC क्या है, सीज फायर क्या है, और जो एरिया, जो 1/3 एरिया कश्मीर का उनके पास रह गया था उस सीज फायर के दौरान, उसी को आज हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। ठीक, इस वजह से हम कभी कभी बहस में कहते हैं कि नेहरू जी की गलती थी, वरना पूरा कश्मीर हमारे पास होता, वो गलती ना कह के अगर मजबूरी कहोगे तो ज़्यादा सही होगा, वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, इंटरनेशनल मैटर्स चल रहे थे, 1.5 साल से युद्ध चल रहा था, 1100 इंडियन आर्मी के लोग मारे जा चुके थे, इधर हैदराबाद में करीब 20 से 30 हज़ार लोग मारे गए थे, जो हमने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम भी मैं बता दूं, उस ऑपरेशन का नाम पोलो था। ठीक, उस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद हमने इंडिया में इंटीग्रेट किया था। तो इतने सारे इंटरनेशनल मैटर चल रहे थे, इतने सारे युद्ध चल रहे थे, तो इस प्रेशर के चलते यहाँ पे हमें सीज फायर ऑर्डर करना पड़ा, नेहरू जी ने यहाँ पे सीज फायर ऑर्डर किया और लड़ाई को वहीं समाप्त कर दिया। ठीक, और उसी एरिया को हमने क्या बोला, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो इसके बाद वो युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक, अब शांति भी कायम लगभग हो चुकी थी। ठीक, शेख अब्दुल्ला को इसी के चलते वहाँ का PM बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी,
और 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंतिम चरण पर थी, हमने जम्मू कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला थे उनसे राय मशवरा करके हमने सोचा कि जो एक्सेशन कश्मीर ने हमारे साथ किया है, ठीक, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल लेंगे, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जम्मू कश्मीर से 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जोड़ा गया। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 1949 में 4 मेंबर्स को जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जोड़ दिया गया था, ठीक। अब वो 4 मेंबर्स थे कौन कौन, अगर मैं आपको बता दूं तो खुद शेख अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में मेंबर बने थे, ठीक। उनके साथ साथ मोतीराम बागड़ा, ठीक, मिर्ज़ा अफजल बेग, ठीक, ये बहुत ख़ास आदमी थे शेख अब्दुल्ला के, मिर्ज़ा अफजल बेग, जैसे अभी अमित शाह हैं माननीय मोदी जी के ख़ास आदमी, वैसे ही मिर्ज़ा अफजल बेग हुआ करते थे, ठीक, शेख अब्दुल्ला के। और चौथे एक मसूदी नाम के नेता थे। ये 4 मेंबर्स हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में ऐड करे, ठीक, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक। और सबके जनरल कॉन्सेंसस से हमने आर्टिकल 306A बनाया, ठीक, और जम्मू कश्मीर के लिए। और जब हमने फाइनल ड्राफ्टिंग की, तब हमने इसी आर्टिकल को आर्टिकल 370 के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ दिया, जो बात करता था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर की, ठीक। ऐसे इन चारों मेंबर्स की सलाह से, ठीक, शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बागड़ा, मिर्ज़ा अफजल बेग और मसूदी, इन 4 मेंबर्स की सलाह से और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के जनरल कॉन्सेंसस से हमने आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, ठीक। और आर्टिकल 370 में हमने क्या क्या डाला उस चीज़ को हमें अब देखना है, ठीक। तो आर्टिकल 370 को समझने का वक्त अब आ चुका है। आर्टिकल 370 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला तो आर्टिकल 370 क्या क्या कंटेन करता था, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 370 को अगर आप नहीं समझेंगे तो ये हटा कैसे, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो हटा कैसे, 5 अगस्त पिछले साल 5 अगस्त को इतना बड़ा फैसला ले लिया सरकार ने, कैसे, ठीक। तो ये कैसे जानने के लिए, हुआ कैसे ये जानने के लिए आपको 370 में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोविजंस हैं, इसे एक बार बारीकी से समझना होगा, ठीक। आर्टिकल 370 को हमने पार्ट 21 में डाला, जो आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक डील करता है, ठीक है। और इस पार्ट का नाम है, या जब डाला था तब इस पार्ट का नाम था टेम्पररी एंड ट्रांसिशनल प्रोविजंस, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक। फिर उसके बाद जब नागालैंड को हमने जोड़ा, जब नागालैंड को हमने इंडिया में इंटीग्रेट किया तो हमने 371A जोड़ा, ठीक। तब नागालैंड का ये सवाल था कि हमें आप टेम्पररी प्रोविजंस में डाल रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि हमेशा
हमें उस तरह की प्रोटेक्शन और इंटीग्रेशन मिलता रहेगा। ठीक, तब इस पार्ट को अमेंड करके, तब इस पार्ट को आर्टिकल पार्ट 21 को अमेंड करके टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस करा गया। ठीक, यानी कि ओरिजिनली जब हम बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था तब पार्ट 21 का टाइटल था टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, बट नागालैंड को जब हमने इंटीग्रेट किया, जब नागालैंड को जोड़ा, तब हमने इस पार्ट के टाइटल में भी अमेंडमेंट किया और टेम्पररी ट्रांजिशनल के साथ साथ हमने इसमें स्पेशल वर्ड को ऐड किया। हमने नागालैंड से कहा कि आपको हम स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं। ठीक, तो आर्टिकल 370 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि पार्ट 21 में था। ठीक, आर्टिकल 370 की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 370 में तीन क्लॉजेज हैं। बहुत धीरे, बहुत आराम से इसे समझिएगा। आर्टिकल 370 में तीन क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 370 क्लॉज 1, आर्टिकल 370 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 370 क्लॉज 3। ठीक, जो 370 को समाप्त किया है, जो आर्टिकल 370 को समाप्त किया है, वो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 से पावर डराइव करके किया है। ठीक, बट ये कर कैसे पाए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जब आप आर्टिकल 370 का क्लॉज 1 देखेंगे तो इसमें भी चार क्लॉजेज हैं, ए बी सी और क्लॉज डी। ठीक, आर्टिकल 370 क्लॉज 1A ये कहता है कि आर्टिकल 238 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन जम्मू कश्मीर। ठीक, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, बट 238 में है क्या? तो जब यहां पे मैं बताता हूं, जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमने स्टेट्स को चार कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक, क्लास ए बी सी डी, और इनके लिए अलग अलग पार्ट रखे थे, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 एंड पार्ट 9। ठीक, हमने पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से लेके 237 तक रखा, हमने पार्ट 7 में 238 रखा, हमने पार्ट 8 में 239 से 242 तक रखा और 9 में रखा आर्टिकल 243। ठीक, जिसमें आज आप देखेंगे कि सारे पंचायती राज के प्रोविजंस, म्यूनसिपैलिटी के प्रोविजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजन हमने डाले हुए हैं आर्टिकल 243 में। ठीक, तो ये पार्ट 9 में था। ठीक, तो इसमें आप देखिए, ये तो वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया हमें, मतलब ब्रिटिशर्स हमें देके गया था, ब्रिटिश इंडिया का जो भाग था। ठीक, जो स्टेट्स 1935 गवर्नमेंट एक्ट से हमें के लिस्ट में थे, वो स्टेट हमने पार्ट 6 में रखे। जो रियासतें थीं, जो बड़ी रियासतें थीं, उसे हमने डाला पार्ट बी में, जैसे हैदराबाद, ठीक, मैसूर, जम्मू कश्मीर। ठीक, ये सारी रियासतें, जो जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थीं, उन्हें हमने 238 में डाला। ठीक है, कि इन्हें ये राज प्रमुख होंगे, ठीक, इन्हें इतना सैलरी मिलेगा, ठीक, बहुत सारे इन्हें प्रिविलेजेस दिए गए थे। ठीक, पार्ट सी में, पार्ट सी में थे स्मॉल प्रोविंसेस, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जैसे पेप्सू, पेप्सू का नाम आपने सुना होगा, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक, और पार्ट डी में केवल एक ही था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, बट हुआ क्या, ये समझ गए आप, छः चार
कैटेगरी में स्टेट्स को बांट दिया गया था, ए बी सी डी, ए टाइप की स्टेट्स को छः में रखा था पार्ट छः में, ठीक, जिससे आर्टिकल 152 से 237 डील करता था। पार्ट बी को पार्ट सेवन में रखा था जिससे जितनी भी बड़ी रियासतें थीं वो डील करती थीं, ठीक। पार्ट सी में जितने भी स्मॉल प्रोविंसेस थे उन्हें रखा गया, और डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया था, ठीक। फिर सातवें अमेंडमेंट से, सेवेंथ अमेंडमेंट से हमने क्या किया, पार्ट सेवन को और पार्ट नाइन को डिलीट कर दिया नेहरू जी ने। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने सातवें अमेंडमेंट से सेवेंथ अमेंडमेंट से जो 1956 में हुआ था उससे पार्ट सेवन और पार्ट नाइन को हमने डिलीट कर दिया। हमने कहा हमारे पास केवल दो तरह की स्टेट्स होंगी और स्टेट्स तो केवल एक तरह की होगी, ठीक है। जितने भी स्टेट्स होंगी वो पार्ट सिक्स में फॉल करेंगी और बाकी सब आठ में फॉल करेगा जिसे हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। तो ना हमारे पास पार्ट सेवन बचा ना पार्ट नाइन्थ बचा था। हाँ, नाइन्थ को हमने 73rd अमेंडमेंट से दोबारा जिंदा कर दिया, उसमें पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजंस डाल दिए। बट अगर पार्ट सेवन की बात करी जाए तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेवन नहीं है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर को 238 में रखा गया था, ठीक, उसके बावजूद उसके पहले आर्टिकल में, ठीक, उसके बावजूद उसके पहले क्लॉज में 370 के क्लॉज 1A में हमने बोला था कि 238 अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। बट सेवेंथ अमेंडमेंट के बाद इसका रिलेवेंस ही खत्म हो गया, क्लियर। देखो इसमें मेन आर्टिकल्स हैं 1B एंड 1D, क्योंकि 1B में क्या लिखा गया, 1B में पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में लिखा गया, ठीक, कि पार्लियामेंट्स की क्या क्या पावर होंगी जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। पार्लियामेंट करता क्या है, लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे जम्मू कश्मीर पे लॉ बना पाएगी, ठीक। तो ठीक, तो ब्रॉडली ये क्या बात कर रहा है, पार्लियामेंट की पावर्स का, कि पार्लियामेंट की कौन कौन सी शक्ति जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होगी, ठीक। तो इसमें क्या था, देखो अगर तुम विलय पत्र को याद करो, जो एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था उसमें याद करो, तो हमने तीन सब्जेक्ट्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, भारत को दिया हुआ था, ठीक है। तो 1B में क्या था कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो इन तीन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होगा, यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जो इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, डिफेंस से, एक्सटर्नल अफेयर्स से और कम्युनिकेशन से, उन पे पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी, ठीक। और लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट से कंसल्टेशन चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें क्या थी कि अगर कोई अन्य विषय है, अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट इन तीन सब्जेक्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक, इसे देखने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट की कॉन्करेंस चाहिए, ठीक। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा से सुन लीजिए। आर्टिकल 370 क्लॉज 1B किस बारे में बात करता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि पार्लियामेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे जम्मू कश्मीर में लॉ बना पाएगी, ये हमने पहले तय कर दिया 370 में, ठीक। इसमें हमने लिखा कि तीन सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट विलय पत्र में थे, यानी कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, अगर इनसे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट का है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना पाएगी, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है कि कोई सब्जेक्ट इसमें फॉल करेगा या नहीं करेगा, तब हम जम्मू कश्मीर स्टेट की इसमें कंसल्टेशन ले लेंगे, ठीक।
और अगर यदि इनके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट होगा जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहती होगी तब बात आएगी वहाँ की स्टेट की कंकरेंस से, ठीक, तब हमें वहाँ का कॉन्करेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 371 भी कहता है, वो क्या बात करता है, पार्लियामेंट की पावर्स का, कि क्या क्या पावर्स जम्मू कश्मीर पे पार्लियामेंट की अप्लाई होगी, ठीक। फिर आता है 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सब क्लॉज सी क्या कहता है, इसे मैं लिखता हूँ दोबारा। आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सी ये कहता है कि केवल दो आर्टिकल, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370, यही केवल दो आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे, ठीक। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, भारतीय संविधान के केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होगा। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा, क्लियर। और लास्ट यानी कि 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कहता है कि यदि और कोई आर्टिकल्स आपको जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कराने हैं तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से एक ऑर्डर पास कराना होगा, और उस ऑर्डर के लिए आपको या तो जम्मू कश्मीर की कंसल्टेशन चाहिए या उसका कॉन्करेंस चाहिए, या तो जम्मू कश्मीर की कंसल्टेशन चाहिए या फिर उसका कॉन्करेंस चाहिए। कंसल्टेशन कब मिलेगी, जब उन तीन विषय के बारे में मैटर होगा, और कॉन्करेंस कब चाहिए, जब अदर सब्जेक्ट्स पे हमें ये लागू कराना है, ठीक। तो 1D क्या कहता है कि अगर भारतीय संविधान का कोई भी अदर आर्टिकल्स, अदर देन आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370, कोई भी आर्टिकल हमें भारतीय संविधान का अगर जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कराना है तो उसके लिए हमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कराना होगा, ठीक। और जो ऑर्डर कैसे पास होगा, या तो जम्मू कश्मीर स्टेट की कंसल्टेशन से या फिर उसके कॉन्करेंस से, क्लियर। तो आर्टिकल 370 का क्लॉज 1, 2, क्लॉज 1A, 1B, 1C एंड 1D क्लियर। इसके बाद आते हैं 370 के क्लॉज 2 पे, ठीक। इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, बट फिर भी आप एक लाइन में समझ लो कि 370 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर ने इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो जो सहमति दे रखी हैं, ठीक है, जो जो सहमति दे रखी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी वो आगे लागू होंगी, वरना वो लागू नहीं होंगी, ठीक। जम्मू कश्मीर का संविधान बना 1956 में, तो 1956 से पहले जो जो सहमति जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को दे रखी थी, यदि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की अप्रूव करती है तब तो वो आगे लागू होगी, वरना नहीं होगी, तो ठीक, ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम लास्ट क्लॉज देख लेते हैं आर्टिकल 370 का। 373 ये बोलता है कि यदि आपको आर्टिकल 370 को पार्शियली या फिर होली, पूरा या फिर पार्ट में, यदि आपको आर्टिकल 370 को पार्शियली या होली हटाना है, रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा, एक राष्ट्रपति से आदेश निकलवाना पड़ेगा, और ये आदेश किसी कॉन्करेंस या कंसल्टेशन से नहीं आएगा, ये आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आएगा ऑन द रिकमेंडेशन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, जो अब है ही नहीं। यदि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये रिकमेंड करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाए, तो इस केस में प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के 370 को समाप्त कर सकता है। ठीक, तो यही पेज था जो फंस रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद, तो ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाएगा या गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाएगा, या अगर अमित शाह की इंटरप्रिटेशन लो तो वो तो ये मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म तो उसका काम भी ख़त्म, ठीक है, तो कुछ माना ही नहीं जाएगा। तो ये किया कैसे, इस 370 को हटाया कैसे, ठीक, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आपको 370 क्लियर हो गया। 370 में तीन क्लॉज हैं, 1, 2, 3। 1 में चार क्लॉज हैं, ए बी सी डी। ए में, ठीक, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ठीक, ये सब मैंने बता दिया। ए में 238 अप्लाई नहीं होगा, उसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है। 1 बी में क्या है कि पार्लियामेंट की क्या क्या पावर जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगी, ठीक, और उसके बाद मेन है 1 डी। ठीक, 1 डी में कहता है कि अगर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कोई भी आर्टिकल आपको जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कराना है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कराना होगा। ठीक, और आर्टिकल 370 क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर 370 को ही हटाना है उसके लिए भी आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कराना होगा, बट उसके लिए क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो 2019 में थी ही नहीं। फिर ये हुआ कैसे, ठीक, तो आइए देख लेते हैं। पहले उससे पहले, ठीक, उससे पहले मैं ये बता दूं कि 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक, उसके बाद हम लगातार जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते आए। ठीक, लगातार 1950 में निकाला, फिर 1954 में एक ऑर्डर निकाला, 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिससे आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में जोड़ दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया। ठीक, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लाया गया। इसमें था क्या, इसमें था कि जम्मू कश्मीर में जो परमानेंट रेजिडेंट होंगे, ठीक, जो परमानेंट रेजिडेंट होंगे उन्हें उन्हें चुनने का अधिकार केवल जम्मू कश्मीर के स्टेट को होगा। ठीक, वही बताएगी, जम्मू कश्मीर की स्टेट ही बताएगी कि कौन कौन जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होंगे। ठीक, और इसी आर्टिकल के तहत ये भी लागू हुआ कि जो भी परमानेंट रेजिडेंट होंगे उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक, उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी में राइट्स कि प्रॉपर्टी केवल वही खरीद सकते हैं, रिजर्वेशन उन्हें मिलेगा, नौकरी उन्हें मिलेंगे, तो कुछ ये स्पेशल राइट्स केवल परमानेंट रेजिडेंट को ही दिए जाएंगे। ठीक है, आप चाहे वहाँ 50 साल से रह रहे हो, अगर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं मिलेगा, ये आर्टिकल 35A कहता था। ठीक, और ये आया कैसे था, बाई अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो लगातार पास होते जा रहे थे। ठीक, क्योंकि ये देखो ये किससे हुआ होगा, अब यहाँ एक आर्टिकल अप्लाई करा रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, तो ये किससे हुआ होगा, आर्टिकल 370 क्लॉज 1D से। ठीक है, इसके लिए क्या ली गई होगी, या तो कंसल्टेशन या फिर कॉन्करेंस। ठीक, अब भाई स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की, सेंट्रल में किसकी थी, कांग्रेस की, काफ़ी साल कांग्रेस चलाए। ठीक, तो इतनी कठिनाई नहीं हो रही थी, इस वजह से नेहरू जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाह रहे थे वो आसानी से निकल जा रहा था। तो ऐसे तो पार्लियामेंट की लगातार पावर भी बढ़ा सकते थे जम्मू कश्मीर पे। ठीक, तो ऐसा किया भी, थोड़े दिन तो वो रुके बट लगातार फिर वो करते रहे। ठीक, जैसे 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, उसके बाद
जो सबसे मेन ऑर्डर जम्मू जम्मू कश्मीर के लिए नेहरू जी ने पास कराया वो था 1964 में, ठीक है। आई थिंक शास्त्री जी ने कराया था, ठीक, क्योंकि 64 में तो शायद वो नहीं थे। तो एक ऑर्डर आया 1964 में, वो ऑर्डर था कि आर्टिकल 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी को जम्मू कश्मीर पे लागू किया जा सकता है यदि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। देख, ठीक है, देखो ये सारे पॉइंट अभी कनेक्ट होंगे, ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक, 1964 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक, क्या लागू हो गया वहां पे, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लागू कर दिया गया कि अगर वहां की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है उस केस में आर्टिकल 356 अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतना? जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बन चुका था, ठीक, 26 नवंबर को ही इन्होंने लागू कराया था एक यादगार डेट के तौर पर, क्योंकि हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को एडॉप्ट किया था। ठीक, इसका एक आर्टिकल बस हमें पढ़ना है क्योंकि वो आगे काम आएगा, वो है आर्टिकल 92 जो बात करता है गवर्नर्स रूल की, गवर्नर्स रूल की, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 92 क्या बोलता है, ये कहता है कि यदि यहाँ पे कोई सरकार काम नहीं कर पाई, ठीक, यदि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर होता है उस केस में गवर्नर्स रूल लग जाएगा, ठीक है। और गवर्नर रूल्स का मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, उस 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक, क्लियर है इतना? 1964 का ऑर्डर याद रखना, 1964 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हमने 356 को अप्लाई कर दिया, अब 1964 से 356 वहां पे लग सकती थी अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर होता है तो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 याद रखना कि यदि वहां पे कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आती है, यदि वहां को गवर्न करने में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है, तो आर्टिकल 92 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वहां पे 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। इसके बाद 1964 का ऑर्डर आ गया, ठीक, फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, ठीक, शेख अब्दुल्ला दोबारा से वहाँ पे सीएम बनाए गए, ठीक, इधर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। ठीक, उसके बाद आई 2014, 2014 में एक ऐसी सरकार बनी, 2014 में एक ऐसी सरकार बनी जिसका मेन एजेंडा था आर्टिकल 370 को हटाना। आप सबको पता है आर्टिकल 370 कौन हटाना चाहता था 2014 में, किसकी गवर्नमेंट आई थी, किसका मेन एजेंडा था, बट इस गवर्नमेंट का पूरा पीरियड निकल गया, 370 को ये नहीं हटा पाए। बट 2019 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर से वही गवर्नमेंट सत्ता में आई, फिर से वही गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बनी और ज़्यादा बहुमत से बनी, ठीक है। तो उसके बाद इनका दोबारा एजेंडा था 370 को हटाना, और इलेक्शन होने के कुछ टाइम बाद तक ये 370 हट चुका था, ठीक है। ये हुआ कैसे, अब हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं कि ये इन्होंने किया कैसे। ठीक, ये कोई एक दिन का काम या एक महीने का काम नहीं था, ये जो स्ट्रेटेजी थी ये कम से कम पिछले एक साल की स्ट्रेटेजी थी, कम से कम पिछले एक साल की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये था क्या, ये हुआ कैसे। बात है 20 जून 2018 की, 20 जून 2018 की, 20 जून 2018 में, 20 जून 2018 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई, ठीक, और जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर सभी सीट पर बीजेपी की जीत हो गई, ठीक। अब वहाँ पे जो दो पार्टी थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो दोनों ही बिना
भाजपा के बिना बीजेपी के समर्थन के सरकार नहीं बना सकती थी, और आपस में वो समर्थन करती नहीं, ठीक, आपस में तो समर्थन कर नहीं सकती थी, बिल्कुल दुश्मन की तरह हैं दोनों पार्टी, ठीक। तो उन्हें उनमें से अगर कोई भी सरकार बनाता तो वो बीजेपी, उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती। तो ऐसा ही हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। पर कुछ टाइम बाद ही बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक। और वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, ठीक। अब सरकार तो गिर गई, अब इस पार्टी पे भी उतनी सीटें नहीं थी और पीडीपी पे भी इतनी सीटें नहीं थी कि सरकार बना पाती, आपस में समर्थन कर नहीं सकती थी, तो वहाँ पे क्या हो गया, सरकार बन ही नहीं सकती थी, ठीक। तो वहाँ पे आर्टिकल 92 जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर्स रूल लगा दिया गया। अब समझ गए मैंने क्यों बताया था गवर्नर्स रूल के बारे में, ठीक। अब वहाँ पे किसी की सरकार नहीं बनी तो वहाँ पे गवर्नर रूल लग गया, ठीक है। और गवर्नर थे कौन, जो सेंटर से ही भेजे गए थे, यानी कि सत्यपाल मलिक, ठीक, कोई आईएएस नहीं, कोई पीसीएस नहीं, एक पॉलिटिकल फिगर जिन्हें पूरा तजुर्बा था, पूरा एक्सपीरियंस था कि कैसे जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लेना है, ठीक। तो इन्होंने रिपोर्ट लगाई, गवर्नर्स रूल चलता रहा, पर ये मैक्सिमम कितने समय तक चलता, 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक। बट जब 6 महीने पूरे होने वाले थे, उससे एक दिन पहले यानी कि 19 दिसंबर 2018 को इन्होंने फिर रिपोर्ट भेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ कुछ सही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन होना संभव नहीं है, ठीक, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे नए इलेक्शन कराए जाएं। ये गवर्नर ने रिपोर्ट लगा दी। अब गवर्नर ने रिपोर्ट लगा दी, इलेक्शन हो नहीं सकते थे, गवर्नर रूल भी केवल कितने महीनों तक चलता, केवल 6 महीने तक चलता, ठीक। तो उसके बाद क्या होता, उसके बाद वो होता जो 1964 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अप्लाई किया गया था, क्या वहां पे 6 महीने के बाद आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया, यानी कि वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई, ठीक। अब स्टेट इमरजेंसी में करता तो गवर्नर ही रूल है, होता तो गवर्नर ही रूल है, यहाँ पे रूल तो गवर्नर ही करेगा, बट एक टेक्निकल चेंज आ जाता है। आर्टिकल 92 से जो गवर्नर रूल लगा हुआ था और जो गवर्नर रूल आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगा, यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी लगी, उसमें एक टेक्निकल चेंज आ जाता है। जब आर्टिकल 356 लगती है तब वहाँ की विधानसभा का काम इंडिया की पार्लियामेंट कर सकती है, और इमरजेंसी के लिए जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट मूव करते हैं, उस प्रोक्लेमेशन में ही लिखा हुआ होता है कि यहाँ की विधानसभा का काम भारत की संसद कर सकेगी, ठीक। तो अब वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिससे वहां पे रूल तो गवर्नर ही कर रहा है, बट एक टेक्निकल चेंज किया आया है कि अब ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी अब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर सकेगा, संसद कर सकेगा, भारतीय संसद कर सकेगा, ठीक है। देखो क्रम समझते रहना, आर्टिकल 92 से गवर्नर्स रूल लगाया पहले, ठीक, फिर 6 महीने तक वो लग सकता था, फिर वहां से गवर्नर से रिपोर्ट मंगाई, ठीक, रिपोर्ट में क्या आया कि भैया इलेक्शन नहीं हो सकते, अब क्या करा जा सकता है, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होने पे वहां क्या लगाई जाती, आर्टिकल 356 वहां पे इम्पोज कर दी गई 20 दिसंबर 2018 को। आर्टिकल 356 से एक हल्का सा चेंज ये आया कि अब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर सकेगा, भारतीय
संसद कर सकेगी। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है 5 अगस्त 2019 का दिन, वो दिन जिस पूरे दिन में इस आर्टिकल 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो आइए ये देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या था। ठीक, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। वहां पे अभी जम्मू कश्मीर में गवर्नर अपने सत्यपाल मलिक, वहां पे इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, यानी कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम भी कौन करेगा, भारत की संसद करेगी। ठीक, अब 5 अगस्त को हुआ क्या, 5 अगस्त को सबसे पहले, 5 अगस्त को सबसे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, एक राष्ट्रपति का आदेश आया, सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। ठीक, उस ऑर्डर में क्या था, उस ऑर्डर में था कि सबसे पहले तो 35A को ख़त्म कर दिया कि कैसे कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होंगे उन सबको यह आदेश सुपरसीड करेगा, यानी कि 1954 का भी ख़त्म, 1954 से 35A आया था, तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ साथ आर्टिकल 35A भी ख़त्म। ठीक, एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, ये ऑर्डर है। ठीक, इसे मैं अभी आपकी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। ये आदेश आया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इससे हुआ क्या, इससे देखो इट के पहला पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट देखिए, इट शेल कम इन टू फोर्स एट वंस एंड शेल देयर अपॉन सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, जो 1954 का जो आदेश आया था, ठीक है, जिससे 35A जुड़ा था, उसको इस ऑर्डर ने सुपरसीड कर दिया, यानी कि इस आदेश से सबसे पहले हमने आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया। ठीक, फिर इससे क्या हुआ। ठीक, सेकंड पॉइंट इसका देखिए, सेकंड पॉइंट में है कि इससे कि हमारे संविधान के सारे प्रोविजंस अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आदेश पहले क्यों नहीं निकाला साहब, आदेश निकालने के लिए स्टेट का कॉन्करेंस चाहिए था, स्टेट का कंसल्टेशन चाहिए था, वो कैसे मिला, उसकी व्यवस्था भी इसी में कर दी। ठीक, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जो अब तक लगातार अमेंड होते आए हैं, वो सारे प्रोविजंस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगे एंड द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू विच दे शैल सो अप्लाई शैल बी एज फॉलोज। एक एक्सेप्शन रखा, क्या रखा, आर्टिकल 367, आर्टिकल 367 को एक बार मैं बता दूं, आर्टिकल 367 इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है। इसमें तीन क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है कि जो भी लगातार यूज होने वाले शब्द होंगे, ठीक है, और जिनका मतलब हम संविधान से नहीं निकाल पा रहे होंगे, उन्हें हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख के उसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड क्लॉज है, इसके सेकंड क्लॉज में ये लिखा है कि जो ऑर्डिनेंस होगा उसकी पावर एक एक्ट के बराबर होगी। ठीक है, ऑर्डिनेंस को भी एक्ट माना जाएगा। और इसका जो तीसरा क्लॉज है, इसका तीसरा क्लॉज कहता है फॉरेन स्टेट क्या होगा, फॉरेन स्टेट वो होगा जो प्रेसिडेंट अपने अनाउंसमेंट में डिक्लेयर कर देगा। ठीक, तो ये तो पहले से थे, बट इसमें जोड़ा क्या, इसमें हमने फोर्थ क्लॉज जोड़ दिया, इस ऑर्डर से हमने इसमें फोर्थ क्लॉज जोड़ दिया। ठीक है, फोर्थ क्लॉज में हमने चार पॉइंट रखे। ठीक, क्या कि ये अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड ऑन जम्मू कश्मीर कहलाएगा। ठीक, जहां भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको तुम क्या समझोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड ऑन जम्मू एंड
कश्मीर, ठीक है। यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या समझेंगे कि एक जम्मू कश्मीर पे भी लागू होने वाला संविधान है, ठीक। सेकंड क्या है इसका, सेकंड क्लॉज ये था इसके फोर्थ क्लॉज का, सेकंड सब क्लॉज ये था कि जो राज्यपाल होगा, ठीक है, देखो स्टेट को क्या मानते हैं हम, स्टेट के बारे में बात कौन करता है, गवर्नर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। अब वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो था नहीं, सब सस्पेंड था, ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया कि गवर्नर का मतलब होगा, मतलब गवर्नर ऑफ जे एंड के का मतलब होगा गवर्नर ऑफ जे एंड के, सॉरी, गवर्नर का मतलब होगा गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। तो गवर्नर को हम क्या मानेंगे, गवर्नर को मानेंगे कि गवर्नर मंत्रिमंडल के आदेश पे काम करने वाला है, ठीक। गवर्नर बराबर गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा हमने क्लॉज जोड़ा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का मतलब वहाँ के गवर्नर को समझा जाएगा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का मतलब वहाँ के गवर्नर को समझा जाएगा, और गवर्नर कैसा समझा जाएगा, गवर्नर एज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लॉज जो था वो था इसका फोर्थ क्लॉज, ठीक, वो था इसका फोर्थ क्लॉज जो कहता था कि अब से जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली समझी जाएगी, ठीक, वहाँ की संविधान सभा का मतलब क्या होगा, वहाँ की विधानसभा, ठीक। तो चुपके से इन्होंने 367 में ये क्लॉजेस जोड़ दिए, ठीक। एक बार फिर देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शॉर्ट में इस आदेश से हमने 367 में फोर्थ क्लॉज जोड़ा। पहला क्लॉज था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा समझा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, जो वहाँ का राज्यपाल था वो कैसा राज्यपाल होगा, जैसे राज्यपाल मंत्रिमंडल के आदेश पे या उनकी एडवाइस पे काम कर रहा हो। तीसरा क्लॉज था कि वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ का राज्यपाल माना जाएगा, ठीक। और चौथा क्लॉज था कि वहाँ की संविधान सभा अब वहाँ की विधानसभा कहलाएगी, ठीक। तो ये चार क्लॉजेस हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आर्टिकल 367 में जोड़ दिए, ठीक। तो इस 2019 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कराया वो कैसे कराया, उससे क्या क्या हुआ, एक तो 35A खत्म कर दिया, दूसरा आर्टिकल 367 में ये फोर्थ क्लॉज जोड़ दिया, ठीक। और ये आदेश आया कैसे होगा, देखो इसके लिए क्या चाहिए था, ठीक है, ये क्या है, पार्लियामेंट की शक्तियां बढ़ा रहा है और आर्टिकल को इम्पोज करा रहा है, तो इसके लिए वहाँ की स्टेट का कॉन्करेंस और वहाँ की कंसल्टेशन चाहिए थी, ठीक। और हमने आर्टिकल 367 में एक क्लॉज डाल दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट का मतलब होगा वहाँ का गवर्नर, ठीक। तो गवर्नर से हमने राय मंगा ली स्टेट के बिहाफ पे और प्रेसिडेंट ने आदेश पारित कर दिया, क्लियर, ये क्लियर। और इसके फोर्थ क्लॉज जोड़ के हमने आगे होने वाले काम का भी इंतजाम इसमें कर दिया, ठीक। तो आदेश प्रेसिडेंट का जो आदेश था, ठीक, उससे क्या हुआ, एक तो 35A चला गया क्योंकि 1954 का ऑर्डर सुपरसीड कर दिया, उसके बाद हमने 367 में फोर्थ क्लॉज जोड़ दिया, ठीक, इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अब इसके बाद ये तो आदेश सुबह ही ले आए, ठीक, माननीय अमित शाह जी सुबह ही इस आदेश को ले आए कि प्रेसिडेंट ने ये आदेश पारित किया है कि क्या होगा, आज से 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ये आदेश सुपरसीड करेगा, यानी कि अब आज से 35A
आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर के लिए था वो खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद वो दो रिजोल्यूशन के साथ आए। ठीक, उसके थोड़ी देर बाद उसी दिन 5 अगस्त वाले दिन ही वो दो रिजोल्यूशन के साथ आए। अब रिजोल्यूशन क्या थे ये देख लीजिए, राज्यसभा में रिजोल्यूशन लेके आए। ठीक, इन्होंने कहा, देखो बहुत ध्यान से समझना इसको, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 के तहत, ठीक, आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 को देखते हुए आर्टिकल 370 अब नहीं रहेगा, ऑल क्लॉजेज ऑफ द सेड आर्टिकल 370 शैल सीज टू ऑपरेटिव एक्सेप्ट क्लॉज 1। एक क्लॉज उन्होंने रखा, ठीक है, जिसमें चार लाइनों का सिंपल उन्होंने लिख दिया, उसमें कुछ है भी नहीं। आर्टिकल 370 को पूरा ख़त्म मानो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, देखो आर्टिकल मैंने बताया था 370 में क्लॉज 3 में आर्टिकल 370 को रिमूव करने का प्रोविजन था। ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हुए, उसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए हमने 370 को ख़त्म कर दिया। बट उसके ख़त्म करने के लिए तो हमने किसकी रिकमेंडेशन चाहिए थी, उसे ख़त्म करने के लिए यानी कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए हमें वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए थी। ठीक है, और सुबह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या अमेंडमेंट आ गया था कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझेंगे। ठीक है, तो वहाँ की संविधान सभा बराबर वहाँ की विधानसभा, और चूंकि वहाँ पे आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंटेड था, वहाँ पे आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज था, तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर रहा था, भारतीय सांसद। ठीक, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाएगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर रहा है, इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि संविधान सभा बराबर विधानसभा, और विधानसभा बराबर संसद, यानी कि संविधान सभा बराबर संसद। ठीक, वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर बी बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी। ठीक है, तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया था सुबह के आदेश से। ठीक, और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम उस वक्त कौन कर रहा था, संसद, तो संसद से ये रिजोल्यूशन पास कराना था कि भैया हमारे 370 को हटा दो। ठीक, वही पास कराने आए थे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा में। ठीक है, तो दो रिजोल्यूशन लेके आए थे, पहला रिजोल्यूशन तो यही था कि आर्टिकल 370 को हटाना, जो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 की पावर से हमने हटा दिया। ठीक, और सेकंड रिजोल्यूशन था कि प्रेसिडेंट ने हमसे रेफरेंस मांगा है, प्रेसिडेंट ने हमसे रेफरेंस मांगा है कि हम जम्मू कश्मीर को ऐसे ऐसे कर दें, क्योंकि जो सुबह आदेश आया था उससे हमने सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करा लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविज़न जम्मू कश्मीर पे अप्लाई करा लिया था, तो सारे प्रोविज़न का अप्लाई होने का मतलब है कि आर्टिकल 3 भी उस पर अप्लाई हो गया था, और आर्टिकल 3 के तहत हम किसी भी स्टेट को जोड़ मरोड़ सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं, उसे काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, तो सेकंड रेजोल्यूशन ये था कि बट आर्टिकल 3 जब तुम उसका प्रोविजो पढ़ोगे तो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है, और वो रिकमेंड कब करेगा, जब वो स्टेट से राय ले लेगा। ठीक, तो राय तो मिल जाती स्टेट से, क्योंकि स्टेट थी कौन, गवर्नर किसका है, सेंटर का। ठीक, तो वहाँ से हमने सुबह ही राय मंगा ली। ठीक, यहाँ पे रेजोल्यूशन में हम ये बोल रहे हैं कि भैया प्रेसिडेंट ने ये रेफरेंस मांगा है कि क्या जम्मू कश्मीर को हम रीऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक, यहाँ पे ये दोनों रेजोल्यूशन साथ में पास होने थे। ठीक, अब भाई तुरंत रेजोल्यूशन आ गए, अपोजिशन ने कहा भी कि साहब 7 दिन का नोटिस देते या कुछ करते जो है, इतनी जल्दी कैसे आप ये रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं और तुरंत ही बिल आ जाएगा। ठीक,
एक बात मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 118 ये कहता है कि हाउस का जो प्रोसीजर होगा वो हाउस ही तय करेगा। ठीक, हाउस का जो प्रोसीजर होगा वो हाउस ही तय करेगा। और आर्टिकल 122 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सदन की कार्यवाही को केवल इस बात पे खारिज नहीं कर सकता कि उसका प्रोसीजर गलत है। तो ये दोनों आर्टिकल प्रोसीजर को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तैनात है। ठीक, तो प्रोसीजर के नाम पे तो आप चैलेंज ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, सब्सटेंटिव बेस पे अगर कोई चैलेंज कर दे तो बात अलग है। तो प्रोसीजर को बचाने के लिए तो ये दोनों आर्टिकल थे, प्रोसीजर में तो बिल्कुल सही थे। ठीक, तो अमित शाह जी ये दो रेजोल्यूशन लेके आए। एक रेजोल्यूशन, पहला रेजोल्यूशन था कि हम आर्टिकल 370 को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, कहाँ से पावर लेके? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 से पावर लेके। उसमें लिखा था किसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल सकता है, ये वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पे। और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने सुबह के आदेश से क्या बना दिया था? वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। और चूंकि वहाँ आर्टिकल 356 पहले से ही लागू कर रखा था, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन कर रहा था? भारतीय संसद। तो बस अब किसकी रिकमेंडेशन चाहिए थी? भारत की संसद की। ठीक, तो इंडियन पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया और 370 हट गया। इसी के साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ के साथ इसके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमने रेजोल्यूशन पास करा लिया। ठीक, अभी दोनों रेजोल्यूशन पास हुए राज्यसभा में, तुरंत लोकसभा में गए। ठीक, वहाँ पास हुए। ठीक, फिर तुरंत उसी दिन प्रेसिडेंट हाउस गए, राष्ट्रपति भवन गए। वहाँ से प्रेसिडेंट ने इसके अकॉर्डिंग आदेश जारी करे और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को सदन में प्रपोज किया गया। ठीक, अब 58 पन्नों का बिल था, 58 पेजेस का बिल था, कोई आधे घंटे में तो तैयार कर नहीं लिया होगा। तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है रीऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए बहुत पहले से, अब मैंने बताया ना, एक साल पहले से तैयारी शुरू थी। ठीक, वहाँ पे कैसे इलेक्शन होना, बीजेपी का जीतना, बीजेपी का समर्थन वापस लेना, गवर्नर रूल लगवाना, फिर वहाँ स्टेट इमरजेंसी जो है इम्पोज कराना, उससे लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर सदा जो है पार्लियामेंट पे आ जाना। ठीक, फिर यहाँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के तुम्हारा 1954 का ऑर्डर कैंसिल कराना। ठीक, उसके बाद 1954 कैंसिल कराते ही 35 से ऑटोमेटिक चला गया। ठीक, और उसी के साथ तुमने 367 में कुछ ऐसे बदलाव करे जिसके लिए तुम्हें आगे के स्टेप के लिए अथॉरिटी मिल जाए। ठीक, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट को गवर्नर कहा जाएगा और गवर्नर जो काम करेगा वो यह माना जाएगा कि गवर्नर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कर रहा है, और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगी। तो ये सब बदलाव करे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आए अमित शाह, दो आधे घंटे बाद ही दो रेजोल्यूशन के साथ आए कि भैया सुबह ऐसे ऐसे आदेश आया है, ठीक, उसके मुताबिक हमें क्या करना है, आर्टिकल 370 को रिमूव करना है। कैसे होता? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 से वहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और हम सुबह के आदेश से इसका इंतजाम कर चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर बना चुके थे। ठीक, अब लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे रिकमेंड करती है, उसका इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था आर्टिकल 356 से। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कौन करता है? इंडियन पार्लियामेंट, जो उसने कर दिया, रेजोल्यूशन हो गया पास और आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। उसी के साथ साथ एक रेजोल्यूशन पास कराया वहाँ की रीऑर्गेनाइजेशन का, जिससे जम्मू कश्मीर को लद्दाख और JNK में तोड़ा गया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक, इसे सिंपल यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसे 239A के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मतलब ये बड़ा एरिया था, 239A का मतलब यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो ऐसे 370 आया और ऐसे 370 के जरिए ही, 370 के 370 के प्रोविजंस को यूज़ करते हुए ही हमने 370 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये थी कश्मीर की और आर्टिकल 370 और 35A की
कंप्लीट हिस्ट्री और क्या प्रोसीजर इन्होंने इस्तेमाल किया इस 370 को हटाने में, ठीक, किन किन प्रोसीजर का यूज़ किया, ठीक, ये सब आपने इसमें समझा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल पाठशाला क्लासेस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस सीरीज़ लीगल किस्से से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।